ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे बाइक को पूरे 17,000 किलोमीटर हो गए, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखो 17,200 किलोमीटर डन हो गया बाइक का। इसका मतलब अभी मैं एक अच्छा खासा ओनरशिप रिव्यू दे सकता हूँ कि बाइक को लेकर, क्योंकि मैंने बाइक ऑलमोस्ट हर जगह चला ली, लॉन्ग राइड्स कर लिए, शॉर्ट राइड्स कर लिए, ऑफ रोड कर लिया, सब कर लिया मैंने ये बाइक के ऊपर। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इस बाइक का एक अच्छा खासा ओनरशिप रिव्यू दे सकता हूँ। तो आज का ब्लॉग पूरा वही रहने वाला है, मैं पूरा आपको बाइक के बारे में बताने वाला हूँ कि ये लॉन्ग राइड के लिए कैसी है, शॉर्ट राइड के लिए कैसी है, पावर कैसी है, लगेज के साथ आप लोग कितना कैरी कर सकते हो, कैसा है लगेज के साथ, कैसा उसका एक्सपीरियंस आता है। तो अगर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है तो वीडियो को एंड तक देखना, और अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो इसी गुड नोट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो पहले मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बता दूँगा, मेरे को बाइक के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस आया, उसके बाद मैं आपको बाइक के बारे में अच्छी बातें और बुरी बातें भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ के लिए कितनी अच्छी है, कौन सी चीज़ में एकदम बुरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बाइक स्टार्ट किया था राइड करना 2019 में शायद, मतलब तब से मैं लॉन्ग राइड्स वगैरह कर रहा, मतलब राइड्स करने लगा था प्रॉपर। और पहले सब लोग यही बोलते थे कि भाई ये बाइक के ऊपर राइड करना इतना हार्ड, मतलब हाथ दुखेगा, शोल्डर दुखता है, ये सब होता है। तो पहला डाउट तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा, बाइक एकदम कंफर्टेबल है, आप शॉर्ट राइड करो या लॉन्ग राइड करो, क्योंकि मैं लॉन्ग राइड भी कर चुका हूँ, शॉर्ट राइड भी कर चुका हूँ, तो मेरे को तो नहीं ऐसा लगा कि भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है वगैरह कुछ। हाँ, अभी कोई भी बाइक पर आप राइड करोगे एक बोलते पर्टिकुलर टाइम तक आपको ठीक लगेगा, बट उसके बाद पेन होता ही है। तो ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं लगा कि ये बाइक के साथ वो प्रॉब्लम है, तो वो तो मेरे को कुछ भी पॉइंट नहीं लगा। उसके बाद मैंने इसमें ऑफ रोड भी एक बार किया था, मतलब आप लोगों ने वीडियो देख लिए होगे कि कातलधारा जाने के टाइम मेरा पूरा रोड ऑफ रोड था, मतलब बोलते ना एकदम वर्स्ट रोड था वो मेरे लिए, पहली बार मैं इतने गंदे रोड पे ये लेके गया था। तो तभी भी बाइक ने उसका अच्छा काम किया था, बट हाँ थोड़ा सा मेरे को एक ये हो गया था कि मेरा ऑयल सील चला गया था, क्योंकि वो भी जस्ट वो इतना कीचड़ वगैरह था उसकी वजह से ऑयल सील गया था। मगर उधर भी बाइक का परफॉर्मेंस एकदम सही था, एकदम मस्त बाइक ने परफॉर्म किया था, बाइक आराम से चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो ऑफ रोड कर ही नहीं पाएगी। आप इस पर ऑफ रोड कर सकते हो, मगर इतना भी नहीं, मतलब बोलते जैसा हिमालयन वगैरह कर सकती है उस टाइप का आप ऑफ रोड नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल पैच रहेगा, थोड़ा पॉट होल्स हो गए वो सब आप कर सकते हो, तो उसके लिए भी बाइक एकदम एक नंबर बाइक है। उसके बाद बात करें तो बाइक के पावर की, मैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले ड्रैग रेस वगैरह भी करता था, जो कि नहीं करना चाहिए, बाइक का परफॉर्मेंस चेक नहीं करना चाहिए, मगर हम लोगों ने जब नया नया लिया था तो हमने सोचा था एक बार बाइक को कंपेयर करके देखेंगे ड्यूक 390 से। तो तभी हम लोगों ने ड्रैग रेस करके देखा था और बाइक का पावर बहुत सही है, मतलब उसके सेगमेंट के हिसाब से बाइक अच्छा खासा पावर डिलीवरी देती है। क्योंकि आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग को मालूम होगा कि ड्यूक 390 को भी ऑलमोस्ट दे रही थी टफ, मगर सीसी का डिफरेंस है और पीएचपी का भी ऑब्वियसली डिफरेंस है, मगर बाइक के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, बाइक अच्छे ईजिली 159-150 आराम से जा रही थी। तो परफॉर्मेंस और पावर के बारे में बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक एकदम, मैं तो आप लोगों को पर्सनली एकदम प्रेफर करूँगा कि 310 एकदम बिंदास ले लो, क्योंकि ये तो फिर भी BS4 है, BS6 में तो और ज़्यादा अपडेट मिले हैं, इतना मतलब राइडिंग मोड्स वगैरह मिल गया, सब मिल गया है BS6 में। तो वो बाइक लेने में कोई बोलते ना, मैंने इसके लिए इसको ड्यूक 390 के ऊपर ये बाइक को लिया, क्योंकि ड्यूक 390 में पावर वगैरह बहुत है, मगर बाकी सब भी रहता है ना, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया या फिर परफॉर्मेंस कैसा है बाइक का, बाद में हम लोग जो पर्पज़ के लिए ले रहे हैं वो पर्पज़ में वो बाइक पूरा हो रही है क्या, तो वो सब देख के फिर मैंने सोचा क्या नहीं RR310 को जाना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस रेंज में RR310 बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए, बहुत बेस्ट। और 3 लाख के बाइक के हिसाब से RR310 का जो लुक आता है ना भाई, वो लुक नेक्स्ट लेवल है एकदम, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये सेगमेंट में कोई भी बाइक होगी जो लुक के मामले में RR310 को पीछे करेगी, कोई भी बाइक नहीं है ऐसा। आप निंजा वगैरह भी देख लो, मगर लुक के बारे में RR310 एक ऐसा लगता है, एक फील करा के देती है कि वो सुपर बाइक है। तो मतलब देखते ना, बोलते हैं कब रोड प्रेजेंस में अच्छा खासा मिलता है, पब्लिक आपको देखती है कि भाई ये कौन सी बाइक है। मेरा खुद का पर्सनल रीज़न यही था कि मेरे को बाइक का लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि वो प्राइस रेंज में इसको टफ देने वाली कोई भी बाइक नहीं थी लुक के मामले में, और पावर भी हमें अच्छी खासी मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ लुक मिल रहा है, पावर नहीं मिल रही, परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, तो पावर भी हम लोग को एक नंबर मिली थी। और लुक के बारे में तो क्या ही बात करूँ, लुक मेरे को अभी तक भी बोलता हूँ मैं कि सुपर बाइक जैसा बाइक लुक देती है, मतलब बल्कि बाइक है, कोई बोलेगा नहीं कि ये 314 cc की बाइक है। तो भी पावर की बात हो रही है, तो पावर के साथ साथ मैं आप लोग को एक बार इसका डेमो दिखा देता हूँ कि बाइक की पावर कैसी है।
देखा आप लोगों ने कि पावर के बारे में भी कोई कमी नहीं फील होती हम लोगों को, क्योंकि बाइक में पावर भी इतना अच्छा खासा है कि भाई लगेगा नहीं कि हम लोग कोई 300cc की बाइक चला रहे हैं। और उसके साथ ब्रेकिंग, बाइक की ब्रेकिंग इतनी कमाल है। ये बाइक का सबसे मेन जो प्लस पॉइंट है मेरे को इसकी ब्रेकिंग लगती है, क्योंकि बाइक की ब्रेकिंग बहुत कमाल की है। बहुत मैंने पर्सनली कितने बार इसका ये तारीफ की रहेगी कि बाइक की ब्रेकिंग के बारे में कोई ये नहीं है, बहुत सही ब्रेकिंग है इसकी। मतलब कितना भी इजीली आप ये कर लो बाइक पूरी अंडर कंट्रोल हो जाती है। तो इसी के साथ अभी जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि माइलेज, बाइक में कितना माइलेज मिलता है। तो लॉन्ग राइड के हिसाब से मैंने जितना नोटिस किया है बाइक 31-32 का एवरेज दे देती है हाईवे के ऊपर एकदम, और लोकल में मेरे हिसाब से 27-28 के आसपास मिलता रहेगा, क्योंकि लोकल में फिर सबको पता है ऐसे बाइक लोकल में कम एवरेज देते हैं, कभी कभी 26 भी हो जाता है, कभी कभी 28 हो जाता है, मगर हाईवे पे इतना कंफर्म है कि बाइक 32 के आसपास मेरे को एवरेज मिलता ही है। तो मेरे को एवरेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, क्योंकि इतना लॉन्ग राइड के हिसाब से इतना एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए बहुत सही एवरेज है। अभी मेंटेनेंस की बात करो तो मेंटेनेंस मेरे हिसाब से आपको इसका पर सर्विस 4,000 या 4,500 के आसपास चला जाता है अभी। तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे भी 17,000 किलोमीटर, तो मेरे को भी सर्विस कराना है, तो मैं तभी भी आप लोगों को एक सर्विस का प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि कितना सर्विस कॉस्ट आता है, क्या क्या उसमें होता है, तो वो सब भी एक वीडियो बना के दे दूंगा मैं। तो उसके लिए चैनल पर बने रहो, क्योंकि आगे अपकमिंग में वो आएगी वीडियो, क्योंकि अभी सर्विस का टाइम आ गया है मेरा। तो अभी तक मैंने जो पॉइंट्स कवर किए उसमें आप लोगों को ये समझा होगा कि बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, बाइक का मेंटेनेंस क्या है, बाइक का माइलेज क्या है, बाइक की पावर से रिलेटेड आपको समझा रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी तक आप लोगों को समझ गई रहेगी। अभी बात करते हैं लॉन्ग राइड के हिसाब से, क्योंकि मेन पर्पज़ ये वीडियो बनाने का वही है कि लॉन्ग राइड को RS-310 कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 1 डे में 600 किलोमीटर चला चुका हूँ, और 600 किलोमीटर में मेरे हिसाब से तब मेरे को एवरेज मिला था 32-33 के हिसाब से, क्योंकि तब मैंने स्पीड मेंटेन रखा था, ज़्यादा बोलते ना रश नहीं कुछ नहीं एकदम नॉर्मल, तो तब मेरे को 32-33 का एवरेज मिला था। और उसके बाद तब मैंने क्या लगेज भी कैरी किया था, तो लगेज कैरी करने के लिए मेरे को एक दिक्कत इतनी सी लगी, क्या आपका अगर लगेज कम है ना, मतलब आप एक छोटी छोटी चीज़ें बस कैरी करना चाहते हो, जैसे कि कैमरा हो गया या छोटी मोटी चीज़ें हो, जैसे कि लैपटॉप वगैरह पीछे आप जो पीछे बैग लगाने वाले हो उसमें कवर करना चाहते हो, तो उतना ठीक रहेगा, क्योंकि बंजी रोप लगाने के लिए मेरे को ज़्यादा जगह मिली नहीं। या फिर आप लोगों को पता रहेगा कि किधर बंजी रोप अच्छे से लगानी चाहिए, तो मेरे को कमेंट में बताओ कि किधर लगा सकते हैं। बट पर्सनली मेरे को तो ऐसा प्रॉब्लम लगा कि भाई इसमें बंजी रोप लगाने का थोड़ा प्रॉब्लम ही है, क्योंकि फुट रेस्ट के पास आप लोग को हुक अटकाने के लिए आपको जगह मिल जाती है, मगर जो बाकी के रहते हैं फिर वो ठीक से लग नहीं पाते, और उसके बाद वो बैग बस आगे पीछे थोड़ी थोड़ी होती रहती है। जैसे कि लास्ट वीडियो के टाइम में मेरे को ऐसा फील हो रहा था क्या बैग आगे पीछे हो रही है, बैग स्लिप नहीं हो रही थी, मतलब इधर उधर नहीं जा रही थी, बस आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि सीट हाइट ज़्यादा है पीछे, तो बैग मेरी क्रॉस थी और उसके वजह से आगे पीछे हो रही थी। तो इतना तो समझ गया कि भाई इस पर ज़्यादा लगेज भी कैरी नहीं कर सकते, फिर उसके लिए मेरे को एडिशनल कुछ उसको जुगाड़ करना पड़ेगा ज़्यादा लगेज कैरी करने के लिए। मगर ऐसा नॉर्मल एज स्टॉक बाइक आप लोग उसमें ज़्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकते, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। एक बैग जो अभी आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, उतना ही बैग अभी मैं लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, तो उतना एक बैग आप आराम से उस पर कैरी कर सकते हो और अपने एक बैकपैक ले सकते हो बस। तो अगर बाइक के राइडिंग पोस्चर की बात करें तो राइडिंग पोस्चर एकदम स्पोर्टी भी नहीं है, और बोलते ना एकदम टूरिंग भी नहीं है, एक बीच में इसे रखा गया कि आप इसे टूर भी कर पाओ और राइडिंग भी कर पाओ, क्योंकि सीट का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, तो आपको जब राइड स्पोर्टी लुक चाहिए रहेगा तो आप पीछे सटक के पूरा स्पोर्टी फील ऐसा ले सकते हो, तो वो भी एक पॉइंट इसमें अच्छी बात है। अभी बाइक की थोड़ी अच्छी बातें हो गई है, तो अभी थोड़ी कॉन्स भी निकाल देगा भाई बाइक में प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इसके पैड्स, इसके ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मेरे हिसाब से फ्रंट ब्रेक पैड इसका कुछ आता है 2200 के आसपास, और रियल वाला आता है ऑलमोस्ट 1000 समथिंग का आता है वो। तो ब्रेक पैड है बहुत कॉस्टली, और उनका लाइफ इतना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली नया ब्रेक पैड डाला था, मेरे हिसाब से 2000-3000 किलोमीटर हुआ होगा मेरा 3-4 ब्रेक पैड चला गया रियर वाला, तो ब्रेक पैड एक बहुत जल्दी घिस जाता है, वो सबसे बड़ा इसमें एक मेरे को लगा कि भाई ये ब्रेक पैड इतना जल्दी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना कॉस्टली ब्रेक पैड है, तो एटलीस्ट उसका लाइफ भी उतना होना चाहिए, तो ब्रेक पैड का लाइफ इतना नहीं लगा मेरे को। उसके बाद बात करें तो वाइब्रेशंस, हाँ बाइक में वाइब्रेशन है अच्छे खासे है, मतलब आप जब लॉन्ग राइड करोगे या आप एक कंटिन्यू राइड कर रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो हाँ तो
आप अगर लॉन्ग राइड कर रहे हो और एक आपको पता है कि आपको ज़्यादा टाइम के लिए बाइक चलानी है, तो आपको वाइब्रेशन बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब आपको फील होगा कि आपको बाइक में एक बोलते हैं ना स्मूथनेस नहीं फील हो रही है, आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है। मगर ये प्रॉब्लम BS6 के साथ सॉल्व कर दिया TVS ने। तो BS6 Apache RR310 में इतने वाइब्रेशंस नहीं है, बट BS4 में थोड़ा है वाइब्रेशन का प्रॉब्लम फील होता है BS4 में। इसकी और एक चीज़ है जो मेरे को वो ज़रा भी पसंद नहीं आती, वो है इसकी चेन। क्योंकि इसके चेन में से हमेशा एक किर 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 के साथ ऐसा आवाज़ आता रहता है, ऐसा लग रहा है कि चेन घिस रही है, बट क्या मालूम क्या ऐसा हो रहा है। क्योंकि चेन हमें जब भी एक लॉन्ग राइड करके आता हूँ तो वो तो ऑब्वियसली होना है, बट बाइक की चेन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि चेन बार बार टाइट कराना पड़ता है, फिर वो इतना टाइम नहीं होता किसी को कि बार बार सर्विस सेंटर जाके चेन टाइट कराए, तो वो एक दिक्कत मेरे को इसमें फील होती है। और ये मेरे को बहुत पहले से दिक्कत फील होती है कि इसकी चेन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है। अभी ये बस मेरे बाइक के साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है RR310 के साथ कि चेन बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है और आवाज़ देने लगती है। तो मेरे को कमेंट में बताओ कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बाइक के स्पेयर पार्ट की। तो TVS के सर्विस सेंटर के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई ये बाइक बाहर का मतलब बना सकता है। नॉर्मल गैरेज वालों की बात करो, सुपर बाइक्स वालों की अलग होती है, मगर नॉर्मल बाइक गैरेज वाले ये बाइक को नहीं बना सकते, ये मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया। क्योंकि मेरा एक बार एक हुआ था किस्सा, तो मैंने तब कोई नॉर्मल बाइक वाला इसको हाथ नहीं लगा रहा था और मेरे को बाइक को टो करके लेके जाना पड़ा था, तो वो एक प्रॉब्लम है। और स्पेयर्स पार्ट भी बाइक के जल्दी मिलते हैं नहीं, क्योंकि सिर्फ शोरूम में अवेलेबल मिलते हैं, वो बाकी तो बाहर जल्दी मिलते हैं नहीं, फिर कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ता है। इससे अच्छा है मैं प्रेफर करूँगा शोरूम में डाल दिया करो। अभी बात हो रही है स्पेयर्स पार्ट की, तो आपको बता देता हूँ कि इसके पार्ट्स बहुत कॉस्टली आते हैं। मतलब नॉर्मल 300 सेगमेंट के हिसाब से आप डोमिनार के अगर पार्ट्स देखोगे तो इसके आधे प्राइस में डोमिनार सर्विस हो जाती है। मतलब इसका सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बताया कि 4K या 4.5K के आसपास है, तो डोमिनार उसमें दो बार सर्विस हो जाएगी। ऐसा इतनी कॉस्टली सर्विस है और उसके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ज़्यादा आप ब्रेक पैड से हिसाब लगा लो, क्या ब्रेक पैड से देखा आपने कितने कॉस्टली है, 2200 रुपये का फ्रंट का ब्रेक पैड है। बाद में रियल वाला मैंने आपको बताया 1000 समथिंग, मतलब 1100 रुपये इसके आसपास पड़ता ही है वो, तो पार्ट्स इसके ज़्यादा कॉस्टली है। अभी बात करते हैं बाइक के टायर्स की, तो टायर्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, टायर्स एक नंबर है इसके। अभी ऑलमोस्ट मेरे 17,000 किलोमीटर डन हो गया, मगर बाइक में अभी भी बोलते ना बाइक का टायर अभी तक 3/4 उसका लाइफ हो गया है, अभी भी 1/4 उसका लाइफ बचा है। तो टायर्स मेरे मतलब ऑलमोस्ट चल जाएंगे 20,000 के आसपास, उसके बाद हम लोग नए टायर्स डालेंगे, क्योंकि टायर्स की ग्रिपिंग अभी तक है और अभी तक इतने नहीं घिसे हमने टायर्स। तो एक बार मैं बाइक साइड में लगा के आप लोग को दिखा देता हूँ मैंने बाइक में और क्या क्या ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये मैं बात कर रहा था, ये बैग बार बार आगे आ जाती है, क्योंकि बंजी रोप लगाने के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि दोनों भी हुक्स इधर ही अटक रहे, तो बाइक बोलते ना बैग आगे आगे सरक रही है और ऊपर से सीट हाइट भी स्लोप पे, तो वो एक दिक्कत मेरे को आती है। बाकी बाइक में मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने बस इधर लीवर गार्ड लगाए और इधर विंगलेट लगाया, बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया, क्योंकि बाइक में एक्स्ट्रा कुछ लगाने की ज़रूरत ही मेरे को फील नहीं हुई, क्योंकि बाइक का लुक ही इतना सही है। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लगाना है इसमें कुछ ये नहीं समझा, बस इतने दो चीज़ जो मैंने लगाए वो भी लुक के लिए लगाया, क्योंकि उससे एक थोड़ा बल्की लुक आ रहा है बाइक को, बाकी और कुछ नहीं है। इसका सीट कवर आता है, मगर मेरे को वर्थ इट नहीं लगा सीट कवर लगाना, क्योंकि मेरा सही बोले तो मेरा नीड भी नहीं है सीट कवर लगाना, क्योंकि मैं पीछे लगेज कैरी करता हूँ, नहीं तो कोई ना कोई पीले मेरे साथ आता ही है, तो इसके लिए मैंने सीट कवर लगाना नहीं सोचा। अच्छा, बाकी लुक के बारे में तो आप देख ही रहे हो क्या बाइक का क्या लुक आ रहा है, डेविल लुक, एकदम डेविल लुक है बाइक का। तो ओवरऑल ओपिनियन मैं दूंगा तो मेरे को तो पर्सनली थोड़े इसमें प्रॉब्लम्स हर बाइक में होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस RR310 में, हर बाइक जब कुछ लॉन्च होती है तो उसके साथ थोड़े ना थोड़े प्रॉब्लम होते ही है। तो ओवरऑल तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाइक एकदम ये है, मेरे को मेरे हिसाब से बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरे को लुक के वाइज हो गया, पावर के वाइज हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है बाइक में। तो मैं आप लोगों को भी यही प्रेफर करूँगा कि एकदम बिंदास ले लो, क्योंकि अभी BS6 RR310 में तो राइडिंग मोड्स आ गए, पावर ये सब है, तो वर्थ इट एकदम। मतलब अगर आप ड्यूक से इसको कंपेयर करोगे तो मैं हमेशा इसके साइड लूँगा, क्योंकि लुक और प्राइस रेंज, ड्यूक में और इसमें प्राइस रेंज में भी अच्छा खासा डिफरेंस है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको पता है कि ड्यूक का ज़्यादा है इससे। तो प्लीज़ ड्यूक वालों, जो भी KTM लवर है, कोई आपको ये नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर बस मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। तो दैट्स इट,
आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं दे सकता था मैंने आपको दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल होगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी अगर डाउट हो आप लोगों को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, कि कोई भी रिलेटेड डाउट रहेगा या मेरे को इंस्टा पे आप लोग DM कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल इधर आ रहा होगा, तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड RR से रहेगी तो मेरे को बता दो, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा।